हेलो गाइस, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और आज हम सीखेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट का डेटा को हम स्टोर करवा सकते हैं। तो चलिए तो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल डिक्लेयर कर देते हैं, हैज इंक्लूड stdio डॉट h, हैज इंक्लूड कौन डॉट h। एंड अब हम यहाँ पर स्ट्रक्ट का यूज़ करेंगे, स्ट्रक्ट। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्ट के बाद हम टैग नेम देते हैं, तो हम यहाँ पर टैग नेम देते हैं स्टूडेंट डेटा। इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर हाइफन का यूज़ किया है। और अभी हम पैरेंथेसिस के बीच में इसके वेरिएबल ले लेते हैं, जो भी चीज़ हमें प्रिंट करानी है। तो यहाँ पर मैं कैरेक्टर ले कैरे में ले लेता हूँ नेम, नेम कैरे रख लेता हूँ मैं 20 की। और एक ले लेता हूँ मैं इंट में, ले लेता हूँ मैं एज। और रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर मैं इंट में ले लेता हूँ यहाँ पर। अगर आप और कुछ डिटेल इसमें स्टोर करना चाहते तो आप और वेरिएबल ले सकते हो। तो चलिए अब मैं यहाँ पर वॉइड मेन से प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। एंड नाउ अब मैं स्ट्रक्ट को यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा, और अब मैं यहाँ पर टैग नेम दे देता हूँ स्टूडेंट डेटा। और इसका वेरिएबल ले लेता हूँ मैं s1, s2। स्टूडेंट 3 का डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आप स्टूडेंट 3 लिख सकते हो, पर s3 या s4 ले सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर दो ही स्टूडेंट का डेटा को स्टोर कराऊंगा, तो मैं यहाँ पर s1 एंड s2 ले लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा एंड प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट स्टूडेंट नेम इक्वल टू। अब मैं यहाँ पर स्कैन कराऊंगा, यूजर से नेम लेना है और स्ट्रिंग में, इसलिए मेरे कार्य में, तो यहाँ पर मैं परसेंट s लिखूंगा और m परसेंट। और मैं यहाँ पर s1 ले लेता हूँ क्योंकि स्टूडेंट 1 का मैं नेम लेने वाला हूँ। और यूजली हम यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो मैं स्टूडेंट 1 का नेम स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा। और मैं यहाँ पर स्टूडेंट 1 का एज स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर द, यहाँ पर पहले मैं स्पेशलाइजेशन कर देता हूँ और मैं एंटर द एज लिख देता हूँ यहाँ पर, इक्वल टू कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर स्कैन करूँगा परसेंट डी, क्योंकि मुझे इंट में ये इंट में एज है, तो यहाँ पर मैं परसेंट डी करूँगा कोमा परसेंट s1 डॉट एज। और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा सिलेक्शन एंटर द रोल नंबर स्कैन एफ लगाऊंगा कोमा एम परसेंट स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर, ठीक है गाइस। एंड अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट 2 के नेम चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट एंटर द सेकंड स्टूडेंट नेम एंड मैं यहाँ पर स्कैन परसेंट एस कॉमा डॉट एम परसेंट स्टूडेंट 2 डॉट नेम प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर द एज स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट स्टूडेंट 2 डॉट एज प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर द रोल नंबर स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट s2 डॉट रोल नंबर। एंड अब मैं यहाँ पर स्टोर तो मैंने करा लिया है, अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कराने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ स्टूडेंट्स डेटा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट 1 का नेम प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं स्लैश नेम लिख देता हूँ नेम 1। तो मैं यहाँ पर नेम 1 इक्वल टू परसेंट एस कॉमा s1 डॉट नेम एंड प्रिंट एफ सिलेक्शन एज
इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एस वन डॉट एज प्रिंट एफ स्लैश एन रोल नंबर इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एस वन डॉट रोल नंबर। एंड अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट टू का डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट स्लैश एन नेम टू यहाँ पर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर इक्वल टू परसेंट एस कॉमा एस टू डॉट नेम प्रिंट एफ सन एज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एस टू एज एंड अब मैं यहाँ पर गेट चेंज का यूज़ कर देता हूँ। एंड अब मेरा हो चुका है प्रोग्राम पूरा पूरा कंप्लीट। चलिए तो इसकी आउटपुट देखते हैं। 18 रोल नंबर 7 स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट इज साहिल एज 17 रोल नंबर 8 एंड यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुके हैं।